व्यंग रचना का शीर्षक है राजनीति में छापेमारी। छापेमारी युद्ध भले ही बाबर ने प्रारंभ किया हो, किंतु आज वो युद्ध से उठकर धन पर पहुंच गई है। कभी छापेमारी विद्रोही सेना को मारने को की जाती थी, वहीं अब दूसरे के धन को मारने का हथियार बन चला है। पहले के समय में छापेमारी का पक्ष नहीं होता था, अर्थात दोनों ही पक्ष इसका प्रयोग कर सकते थे, किंतु युद्ध स्थल से हट राजनीति में प्रवेश करते ही छापेमारी एक पक्षी हो गया है। छापेमारी सदैव सत्ताधारी दल द्वारा पाला गया एक वफादार कुत्ता है, वो कुत्ता जो धन संपत्ति मिलते ही सोर कर अपने मालिक की श्रेष्ठता का गुणगान करने लगता है। छापेमारी को मैं एक पक्षी इसलिए भी कहता हूँ कि वो सदैव एक पक्ष को ही लाभ कराती है। छापेमारी तो अब विपक्षी दल को बीमारी लगने लगी है, ऐसी बीमारी जो उन्हें सत्ता तक पहुंचा सकता है। सच कह रहा हूं मैं, छापेमारी से बचने का नुस्खा बहुत ही आसान है। बस आपको करना यह है कि जितना भी आप धन रखे हों, काला, सफेद, गुलाबी, हरा, पीला, जो भी हो, सब ले जाकर सत्ताधारी दल के मुखिया के चरणों में सजा दें। उन रंग बिरंगे धन को देखकर मुखिया की आंखें चमक जाएंगी, वैसे वैसे ही जैसे कुत्ता सामने हड्डियों के समूह को देखकर जिह्वा बाहर कर लार टपकाने लगता है। मुखिया के आंखें जैसे ही चमकेंगी, धन देख वैसे ही वो दांत चमकाएगा। वैसे ही जैसे कोई मगरमच्छ आंसू न बहाते हुए भी आंसू बहाता लगता है, मुखिया के दांत जैसे चमकेंगे वैसे ही राजा धनों को अपने बाह में लेगा और फिर आपको अपने पार्टी में ले लेगा, और आप विपक्ष से सत्ता में बैठ जाएंगे और फिर आप भी छापेमारी को पक्ष में ले लेंगे और उसका दुरुपयोग कर सकेंगे। हाँ, आप बिना धन के बजाय अपनी ईमानदारी बेच सकते हैं। हाँ, ईमानदार होंगे तभी। राजनीति में ईमानदार से आशय आपकी पहचान है, जनता तक पहुँच है। आप कितने कम वोटों से हारे हैं, कितने आंदोलन में जनता को बरगला सके हैं, आदि आदि। हाँ, आप अपनी ईमानदारी का सौदा आसानी से कर सकते हैं। आप अपने ईमानदारी का सौदा आसानी से कर छापामारी को अपने पक्ष में ले सकते हैं और आप भी छापे खा नहीं बल्कि छापे मार सकते हैं और धन अर्जन कर सकते हैं। आपके पास आते ही वो ब्लैक मनी व्हाइट मनी हो जाएगी। दोनों में एक